क्या आप भी फॉर्मल सिचुएशंस में अपना इंट्रोडक्शन देने से घबराते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर्मली। बाय द वे, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एनगुरु स्पोकन इंग्लिश ऐप। एनगुरु ऑफर्स इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस एवरी डे, डेली प्रैक्टिस लेसन्स, एक्सपर्ट एनगुरु टीचर्स एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनगुरु। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू कीप लर्निंग एंड यस, Don't forget to like, share and subscribe to our channel. क्या आप अपना परिचय इंग्लिश में दे सकती हैं? Myself इंद्राणी पांडे. I belong to बलिया. I am district level cricket player. I am loving samosa and प्याज की कचौड़ी. I am pass out from University of Lucknow KM College. I am liking उड़ी कार. बलिया शहर में हमारी सिक्का बहुत चलती है। हेलो फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ ही गया होगा कि इंद्राणी पांडे को जॉब नहीं मिली होगी। जैसे कि आपने देखा, इंद्राणी को पहले सवाल के बाद ही रिजेक्ट कर दिया। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, आप एकदम सही समझे हैं, खराब इंग्लिश। अब चाहे जॉब इंटरव्यू हो या कॉलेज इंटरव्यू या किसी भी महफिल में बातचीत, ये सवाल तो आपको जरूर पूछा जाएगा। अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक प्रोफेशनल को अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हाय, आई एम इंद्राणी पांडे, आई एम फ्रॉम बलिया। अपना नाम बताने के दो बहुत आसान तरीके हैं, या तो माय नेम इज इंद्राणी और आई एम इंद्राणी, सिंपल। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। आइए फिर देखते हैं इंद्राणी ने क्या गलतियां की थी। Myself इंद्राणी पांडे, ये कहना गलत होगा। मैंने देखा है कि काफी सारे लोग अपना नाम बताते समय अपने वाक्य की शुरुआत myself से करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि myself शब्द का इस्तेमाल काफी अलग तरीके से होता है। I am या my name is दोनों सही तरीके हैं। I belong to बलिया, I belong to Delhi या I belong to जयपुर या I belong to कानपुर, ये सब चीजें गलत है। बिलोंग शब्द का अर्थ ही कुछ और है। अगर आप अपने होम टाउन या अपने गांव या शहर के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम बालिया, मतलब मैं बालिया से हूँ, और माई होम टाउन इज बालिया, मतलब मैं जिला बालिया से हूँ। अपने होम टाउन के बारे में बताने के बाद आप अपने कार्य अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं, जिसे कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस। आइए एक उदाहरण देखते हैं। I am a sales executive, यानी कि मैं बिक्री कार्यकारी हूँ। I have an experience of 8 years in the garment industry, यानी कि garment उद्योग में मेरे 8 साल का अनुभव है। अब ये था बिक्री कार्यकारी का परिचय। आपको ऐसे ही अपने काम के बारे में बात करना है, जैसे कि I am a clerk at a bank, मतलब मैं बैंक में क्लर्क हूँ, या I am an accountant, माने मुनीम, ऐसे। अगर आप कॉलेज से अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको बताना है कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। जैसे कि आई कम्प्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री इन 2021, यानी मैंने अपनी पढ़ाई 2021 में खत्म की है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। याद रखे कि कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए पास आउट शब्द का इस्तेमाल ना करें। आई एम पास आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि पास आउट का इंग्लिश में मतलब होता है बेहोश होना। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पर ये एक गलत वाक्यांश है। आप बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड कॉलेज इन 2021, यानी कि मैंने 2021 में अपनी पढ़ाई खत्म की, या आई हैव अ बीकॉम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसका मतलब कि आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम की है। या तो आप कह सकते हैं I graduated in 2021, इसका मतलब ये कि मैं साल 2021 में ग्रेजुएट हुआ था। चलिए अब इन सब को एक साथ देखते हैं। Hi, I am इंद्राणी पांडे, I am from बलिया, I am a sales executive, I have been working in the garment industry for the last 8 years. तो दोस्तों, इस तरीके से हम एक औपचारिक परिचय दे सकते हैं। आइए देखते हैं एक अनौपचारिक परिचय कैसे देते हैं। I am Indrani Pandey. I am from Balia, UP. पहले आप अपना नाम बताइए, फिर अपने गृहनगर के बारे में।
माई फादर इज अ बिजनेस मैन एंड माई मदर इज अ होम मेकर, यानी मेरे पिताजी व्यापारी हैं और मेरी माँ गृहिणी है। एक अनौपचारिक परिचय में आप अपने माता पिता और फैमिली यानी परिवार के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक अनौपचारिक परिचय में आप अपने शौक एवं रुचि के बारे में भी बता सकते हैं। हॉबीज का मतलब होता है शौक और रुचि को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट्स, जैसे म्यूजिक सुनना यानी लिसनिंग टू म्यूजिक या किताबें पढ़ना जैसे रीडिंग बुक्स वगैरह वगैरह। माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मुझे किताबें पढ़ना और क्रिकेट खेलने का शौक है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हम अपना परिचय औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके के मजेदार इंग्लिश लेसन चाहिए तो आज ही एंगुरु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जल्दी। तो बस जल्दी मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक आप आज के लेसन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।